हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट गाजर का हलवा की रेसिपी। आज ये गाजर का हलवा मैं आपको मिल्क पाउडर से बनाना बताऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही इजी और एकदम सिंपल है, और खाने में ये एकदम डिलीशियस, बहुत ही यम्मी होता है। अगर आपके घर कोई भी मेहमान आया हुआ हो तो आप ये गाजर का हलवा बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने में मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है गाजर। तो मैंने यहाँ पर ये 1 किलो गाजर ले ली है। गाजर का हलवा जब भी बनाए तो गाजर आप बिल्कुल एकदम लाल और थोड़ी सी मोटे वाली यूज़ करें। तो सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए इन गाजर को हम छील कर धोकर अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। इस तरह से हमें गाजर को ग्रेट कर लेना है। अब इन गाजर को हम डालेंगे एक कुकर में। तो सारी ग्रेट की हुई गाजर को हम कुकर में भर लेंगे। तो ये सारी गाजर मैंने कुकर में भर दी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मलाई वाला दूध, यानी ताज़ा घर की मलाई हो वही डालना है। आप इसमें पुरानी मलाई ज़्यादा यूज़ ना करें। तो 1/4 कप के करीब हम डाल देंगे इसमें देसी घी। अब इस कुकर को हम रखेंगे गैस पे। अब इनको हम अच्छे से मिलाते हुए लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो हमारा घी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो हमारा मलाई वाला दूध है वो भी गाजर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, इसको मिलाते हुए मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं घी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और जो हमारा दूध था और मलाई थी वो भी गाजर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसकी 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। तो ये हमारी 4-5 सीटी लग चुकी है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस कुकर को हम साइड में रख देंगे। इसका प्रेशर अपने आप निकलने दें, बीच में कुकर को आप न खोलें। तो अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध, 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी। घी को हम थोड़ा सा इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालते वक्त बिल्कुल लो रखेंगे और मिल्क पाउडर डालते इसको हम कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। आप देखेंगे जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो ये मिल्क पाउडर हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एकदम गाढ़ा होने लगेगा। तो कुछ ही देर में ये गाढ़ा होकर इस तरह से हमारा मावा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मिल्क पाउडर का मावा हमारा तैयार हो गया है। तो इधर हमारा जो कुकर है उसका भी प्रेशर निकल चुका है। तो एक बार हम गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाजर हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब बस क्या करेंगे कि ये पकी हुई गाजर को हमने जो मिल्क पाउडर से मावा निकाल के रखा हुआ था उसके अंदर डाल देंगे। इस टाइम हम गैस की फ्लेम तेज़ कर देंगे। अब गाजर डालने के बाद अब इन गाजर को हम जो मावा है उसके साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे और इसे तेज़ फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए हम पकाएंगे। तो ये देखिए, इसको पकाते हुए मुझे लगभग 3-4 मिनट हुई है और 3-4 मिनट में ये आप देख सकते हैं जो गाजर का पानी था वो सारा सूख गया है। तो इस टाइम इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 2/3 कप चीनी डाल रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी थोड़ी सी या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चीनी को हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए पकाना है। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसको लगभग 2 मिनट तक और पकाया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे देसी घी। तो बस अब अच्छे से मिलाते हुए इसको हम 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर तेज़ ही रखेंगे। तो ये देखिए, इस हलवे को मैंने 2 मिनट तक और पका लिया है। तो ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, कितना टैप्टिंग लग रहा है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों, हमारा इंस्टेंट गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है, वो भी मिल्क पाउडर से। अगर आपके घर कोई भी मेहमान आया हो, आप इंस्टेंटली मिल्क पाउडर से गाजर का हलवा बना सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंटली बनता है, सिर्फ 15 मिनट इसको बनने में लगता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बनता है। आप इस तरह से एक बार मिल्क पाउडर से ये गाजर का हलवा घर पर बनाकर ज़रूर देखें। आई होप कि दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।